कब से आ रहे हैं? मेरे को तो कम से कम 35 साल हो गए हैं इनसे। और आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? यहाँ सबसे ज़्यादा कचौड़ी, मोठ कचौड़ी है। फिर उसके बाद इनके जो इस दुकान के मालिक थे मोहन लाल जी, उनसे बड़ा प्यार था। छोले भटूरे की दुकान, तो ये पहले कचौड़ी मशहूर, कचौड़ी से मशहूर थे, अब ये छोले भटूरे भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। हमने कम से कम हमारा परिवार ही किया, मैं क्या यहाँ जमुना पार में ही नहीं, बाहर से दिल्ली से भी आते हैं लोग। छोले भटूरे कचौड़ी, कचौड़ी के नाम से ज़्यादा है, लेकिन छोले भटूरे भी बहुत बढ़िया और टेस्टी हैं। तो एक बार मैं यही सोचता हूँ कि जो भी आता है फिर वो बार बार आने के यहाँ। कितनी बार आ जाते हैं एक हफ्ते में? ऐसा जब हमारे परिवार के अंदर रिश्तेदार आते हैं, हफ्ते में आ जाएं, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारा परिवार तो ये एक दूसरे दिन तो कचौड़ी खाने लेने के लिए आ ही जाते हैं घर से, भाई कचौड़ी लेके जानी है या कैसे भी है, बच्चे तो आते ही हैं। तो छोले भटूरे ये होता है कि भाई जब हमारे रिश्तेदार कोई मेहमान आते हैं, सुबह का नाश्ता जो है वो छोले भटूरे से ही किया जाता है या दोपहर में भी किया जाता है। बढ़िया दुकान है। मोठ कचौड़ी, छोले भटूरे, छोले चावल, मोठ चावल, सुबह से रात तक। हाँ, जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मोठ कचौड़ी चलती है, मुल्तानी मोठ कचौड़ी सबसे ज़्यादा वही बेची जाती है यहाँ पे, मोठ कचौड़ी ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। और कोई छुट्टी यहाँ पे? नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, अपना 7 डेज ओपन है। सबसे ज़्यादा वीर सावरकर मार्केट, बुध बाज़ार, वीर सावरकर मार्केट, बुध बाज़ार, महिला कॉलोनी। कब से चल रहे हैं? उसको 50 साल हो गए, 50 साल पुरानी दुकान है। 50 साल।